अगर आपके रिश्ते में भी प्यार कम हो गया है तो ये तीन काम जरूर करें। हेलो फ्रेंड्स, लव ट्यूब यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमें रिश्ते में आने की जल्दबाजी तो होती है, हम रिश्ता बना तो देते हैं, लेकिन कई बार ऐसा समय आता है कि हमारे रिश्ते में प्यार कम हो जाता है। प्यार कम हो जाए तो तुरंत ये तीन काम आपको करने चाहिए। इससे क्या होगा? इससे कोई आपकी गलती होगी तो वो अच्छे में बदल जाएगी, कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें कम पड़ रही है तो वो हो पूरी हो जाएगी, और आप दोनों को फिर से एक वजह मिल जाएगी साथ जीने में। तो कौन से वो तीन काम हैं? सबसे पहला काम है उनको प्यारे प्यारे निक नेम से बुलाना। आप इस चैनल पे कई ऐसे वीडियो देख सकते हैं कि उनको कैसे कैसे नाम से बुलाने से क्या साइकोलॉजी रहती है, कैसे वो सामने से रिएक्ट करते हैं। तो ऐसे दूसरे नामों से बुलाने से आपका संबंध एक अलग हो जाता है, और आपका प्यार अगर कम हो रहा है, आपको लग रहा है, तो ये चीज़ तो करनी ही चाहिए। इससे फिर से वही ताजगी आ जाती है, फिर से वही प्यार सामने वाले की नज़रे में आने लगता है, क्योंकि ये नाम से कोई बुला नहीं रहा था उनको, लेकिन आप बुला रहे हैं तो उससे प्यार बढ़ेगा। सबसे पहले तो ये काम करना है। दूसरा काम आपको ये करना है, उनकी जो भी पुरानी तस्वीरें हैं, जो थोड़ी हंसी आए ऐसी है, तो वैसी तस्वीरों का कुछ फोटोशॉप करके या कुछ भी करके उनको दिखाना है, यानी कि वही मेमोरी फिर से तरोताज़ा करनी है उसको खुश करने के लिए। जब भी हम हमारे ही पुराने फ़ोटोज़ देखते हैं तब हमें ज़्यादा हंसी आती है, हमें लगता है कि हम कैसे थे, आज कैसे होने लगे हैं। तो ये चीज़ें जब भी प्यार कम हो जाए तो ये फ़नी चीज़ें, ये बीच का जो गैप है वो फुलफ़िल करती है, और ये चीज़ बहुत ही खास रिज़ल्ट दे सकती है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी चाहिए। अब तीसरा जो काम है वो है, कभी कभी आप उनके साथ बैठकर सिर्फ हंसी मजाक की बातें करें। आपको तय करना है कि आज हंसी मजाक ही करना है और कुछ करना ही नहीं है, कोई सीरियस बात नहीं, कोई प्यार की बात नहीं, सिर्फ हंसी मजाक। इससे क्या होगा? इससे वो अंदर से हंसेंगे, और जब हम अंदर से हंसते हैं तब हम अपने स्ट्रेस को, अपनी चीज़ों को भुलाने लगते हैं, जिसकी वजह से हम फिर से इस रिश्ते में वापस आ सकते हैं। तो जब भी आपको लगे कि प्यार कम हो रहा है तो आपको ये तीन काम करने हैं। तीन काम करेंगे तो ज़्यादातर बात आपकी बन जाएगी। मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप ये तीन में से कौन से काम करते हैं। मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, फ्रेंड, वीडियो को देख रहे हैं सारे GFBF राजा मजूम लैला जो भी हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। कोई भी सवाल या सुझाव हो कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलिए। थैंक यू दोस्तों, नो बेटर लिव बेटर।